अस्सलाम वालेकुम, मुहासिब न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशा मारूफ। सबसे पहले आज की हेडलाइन। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने डिविजनल हॉस्पिटल मीरपुर में मरीजों के लवाहिकीन के लिए रिहाइश की सहूलत फराहम करने के लिए 52 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाली पनाहगाह का इफ्तिताह कर दिया। टाउन कमेटी कोड़ी के वार्ड छलपानी से नौ मुंतखब कौंसलर गफूर अब्बासी ने हलफ उठा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर पटिक्का सैयद गुलाम मुहैद्दीन गिलानी ने पटिक्का में इनसे हलफ लिया। तकरीब में अहलियाने छलपानी समेत सियासी समाजी रहनुमाओं सदर अंजुमन ताजरान पटिक्का समेत मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। सीनियर वजीर हुकूमत वजीर बल्दियात व दही और तरक्की आज़ाद कश्मीर ख्वाजा फारूक अहमद की पतरिंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जानब से तरक्याती अदारा मुजफ्फराबाद की अराजी पर स्टेट ऑफ आर्ट तामीर किए जाने वाले थुरी वॉलीबॉल ग्राउंड को तरक्याती अदारा मुजफ्फराबाद के हवाले करने वाली तकरीब में शिरकत। रिश्तेदारों के जुल्म का शिकार बेबस बाप इंसाफ के लिए सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद पहुंच गया। गेल सच्चे का रिहायशी मारूफ अपने 22 साल नौजवान बेटे फैजान को इंसाफ दिलाने के लिए दरपदर। वादी नीलम गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल दंजर में सालाना तकरीब तकसीम इनामात व यौम वालदेन का इनेकाद मिली नगमों तरानों की गूंज के साथ तुलबा ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। मादरे वतन के बहादुर सपूत शहीद वतन नायक सैयद मोहम्मद हुसैन शहीद से मंसूब गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल बांडी सईदा चकोठी सेक्टर में सालाना नताइज का ऐलान कर दिया गया।